a protest rally is being organized under the banner of Team AFSU, that is All Arunachal Pradesh Students Union, from Akashdeep to Civil Secretariat. They are here on a march because of delay in draft proposal of the offspring issues by the state government relating to issuing of APST certificate to offspring of non-APST men and women. They have also demanded the early tabling of the bill related to the offspring issue. So let's find out the standpoint view of the public related to offspring issue. अफसू के हर एक मोड़ पे, हर एक कदम पे हमेशा इस इशू पे लेकर साथ रहूंगा एंड एनी इशूज में हमेशा साथ रहूंगा बिकॉज आई एम एन इशू ओरिएंटेड पर्सन। तो आप सब भी इशू ओरिएंटेड है कि नहीं है? मैं आज कोई खाने पीने आया नहीं, आज इशू के लिए आया है कि नहीं? क्या बारिश हमें रोक सका? जरूरी पड़े तो और दुगना ले आएंगे, है कि नहीं? इसलिए भाइयों, आप सब सतर्क होना है, सावधान होना है। घर घर पे क्या संदेश पहुंचाना है? हारिंग का बच्चा देखिए, जब ये हारिंग होता है कुछ लोग गलत कंसेप्ट लेता है। हारिंग मतलब जो नॉन एपीएसटी हमारा जो एपीएसटी सिस्टर्स है जो शादी करता है उनका बच्चा को अपना सरनेम जो देता है, सारा हम लोग का जेन्युइनली ऑनर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, गड़बड़ कर देता है। मैं इसी तरह से बिलोंग करता हूँ, अबूटानी से लेकर अपने पिताजी का नाम तक गिन सकता हूँ। मेरा बहन अगर शादी करेगा नॉन ट्राइबल में, वो क्या जेनोलॉजी किस हिसाब से गिनेगा भाई? प्रॉब्लम है कि नहीं है? और हर जगह में टेक्निकल डिफॉल्ट है, इसलिए सरकार जो है अब तुरंत अफसू का जो डिमांड है उसको हर हाल में फुलफिल करना है। नहीं किया तो आपका खैर नहीं, नहीं किया तो। तो इसी के साथ मैं अपना जो छोटा सा शब्द है किसी, बट एट सेम टाइम आई एम प्राउड ऑफ नाचली। आई की तो पीपुल थिंक आलसो सिर्फ इसी कम्युनिटी के लिए बात करते हैं, बट इट इज टाइम टू प्रूव जितना हम इसी है उतना हम अरुणाचली है। लाइक वाइज आप जितना आदि है आप जितना अरुणाचली है, आप जितना डालो है इतना अरुणाचली है। आपसू का पाइप दिस टाइम इज टू प्रूव, इज टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ अरुणाचली, द एग्जिस्टेंस ऑफ अरुणाचली। ये ऑफस्प्रिंग इशू को आप लोग अभी एक एग्जांपल लिया है, यू कैन सी असम का जो लोकल जो इंडिजिनस ट्राइब होता है कचारी का, अभी बोधो कचारी का हालत अभी ये है कि अपना स्टेट में ये अभी ऑटोनोमस लैंड मांग रहा है। कोई अपना स्टेट में ऑटोनोमस लैंड मांगता है क्या? यही सेम चीज हो सकता है मेघालय में, हो रहा है मेघालय का आपका सोसाइटी सेटअप सिस्टम जो उसको बोलते हैं मैत्रिलिनी होता है, मदर का नाम को ये कर सकता है। दिस इज नॉट मेघालय, ये अरुणाचल है, या पैतृलिनी होगा, ये समझ स्टेटस एंजॉय नहीं करना है। और त्रिपुरा को आप देखिए, त्रिपुरा का भी आज ये हाल है कि इवन उधर का लेजिस्लेटर, उधर का सीएम नॉन त्रिपुरी है। यही हाल ये हो सकता है अरुणाचल में आ सकता है, इसलिए ये आपसू का साथ, ये आंसू, ये बाकी जितना ऑर्गेनाइजेशन जो आया है फॉर द फ्यूचर ऑफ स्टेट, सब हम लोग एक साथ है। और यहाँ में जितना भी स्टूडेंट कम्युनिटी को क्लियर साउंड का साथ हम गवर्नमेंट को बताना चाह रहा है कि हम लोग स्टूडेंट कम्युनिटी, चाहे आदि हो, आदि स्टूडेंट सुने हो, गालो स्टूडेंट सुने हो, आलसू हो, आनिया हो, चाहे आपसू हो, कोई भी स्टेट का हित में हम लोग हमेशा यूनाइटेड रहता है। ये क्लियर कट मैसेज है कि कल को जाके अगर आपसू का स्टेट को क्लियर कट सोल्व नहीं करेगा, डिलेइंग प्रैक्टिस करेगा, आपसू हमेशा तुझे नेल पाइप करने के लिए आपसू को स्टैंड देता है, ये हम डिक्लेयर करते हैं ओपन फील्ड में। कल को कोई भी इशू प्रॉब्लम होता है वैसे ऐसे आंसू हम लोग भी हमेशा आगे रहेगा फॉर द इंटरेस्ट, अपना स्टेट का सोयल हम लोग प्रूव करने के लिए रहती है। थैंक यू वेरी मच, ज्यादा भाषण नहीं मारेगा। सो राइट नाउ आई एम हियर विद द फॉर्मर President of Nehru Student Union, Mr. Bantanatung. तो हेलो सर, वेलकम टू अवर चैनल। हेलो, वेलकम। तो सर आप बताइए, जो आज ये इशू को लेके आपका क्या टैकल है उसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑफस्प्रिंग इशू है, आई थिंक पीपल हैज टू टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर।
because this is basically the APSU that is taking this issue at spearheading this issue. It's basically trying to prove the real identity of those people, those who are, you know, keeping the surname of their mother. And also one very important thing, the beauty of a society is its fabric. So the fabric of a society should not be destroyed. And in Arunachal, our society, we follow patrilineal system of society, right? So basically what we follow here is we put our father's surname. So basically we have learned that there are bureaucrats, there are technocrats, there are a lot of people who have put the surname of their mother. So I think they should also take it very positively and be proud of their own bloodline. Right. So basically this fight is about protecting the true indigenous lineage. So this is what this issue is. Why you feel that our state government should implement this offspring and find out this solution of offspring issue? Okay, first of all, today's rally is because the government or the department has not prepared that draft. 29 was the date where they had to have a meeting with APSU and different, you know, they created a committee. Therefore, since that committee has not given the 29th meeting, today there is a protest. The APSU and different organizations from all the district student union, and even Anya has supported this issue. I think every indigenous people will support this issue. Government must prepare this draft, give the public to read. There should be discussion on this and then table in the assembly so that this can be made into rules or act and then implemented in the state. Okay. Thank you so much. Thank you. So right now I'm here with the General Secretary of APSU, Mr. Tobam Dai. Hello sir, तो आप लोग का जो आज protest rally है उसको लेके आप briefly बताएं। हाँ देखिए, ये जो protest rally है, जो हम लोग offspring issue का हम लोग जो एक nomenclature दिया है, basically अगर offspring जब issue बोलता है तो काफ़ी लोग confused होते हैं। Actually ये जो issue है जिसका जो underlying जो मुद्दा है वो ये है कि offspring born out of APST mother and born to a non APST father, जो उसमें जो टाइटल चेंज करता है, टाइटल जो हमारा APST बहनें हैं जो नॉन ट्राइबल में जाके शादी करता है, लेकिन उसका जो अपना ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है, उसको ट्राइबल जो सरनेम देता है, तो इसको लेकर हम लोग का एक ये काफ़ी दिनों से एक मुद्दा है। तो आज अल्टीमेटली फर्स्ट फेज का हिसाब पे तौर पे हम लोग यहाँ आप सब ने देखा है, एक प्रोटेस्ट रैली किया है। तो हम लोग का ये डिमांड है कि ये जो स्टेट में जो ये प्रिवेलिंग कंडीशंस है, ये जो अभी ऑफस्प्रिंग का जो है, ये हम लोग देखते हैं बिकॉज अरुणाचल प्रदेश एक 100% एक ट्राइबल स्टेट है और यहाँ बहुत सा कानून कायदे कानून हैं, जैसा आप जानता है BFR 1873 है, चीन हिल्स एक्ट है जो हम लोग को गवर्न करता है, और यहाँ आउटसाइडर्स को इमोबल प्रॉपर्टीज और बहुत सारी चीज़ें में रेस्ट्रिक्शन है, तो उसको लेकर ये है। तो हम लोग जो अभी देख रहा है, बहुत सालों से एक रैम्पेंट प्रैक्टिस चल रहा है कि मैं जैसे आगे बोला हूँ, हमारे बहनें जो नॉन ट्राइबल में शादी होता है तो उसको ट्राइबल का जो सरनेम देके जो ट्राइबल राइट्स है उसको उसर्प कर रहा है, उसको छीन रहा है। और ये हम लोग लग रहा है कि दिस इज़ अ वेरी डेंजरस मैनेज, बिकॉज ये जो इशू है दिस इज़ एक इंटरनली इम्प्लोड हो रहा है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। लाइक हम लोग चंगमाजों का बोलो या अगर इशूज बोलो, दैट्स फ्रॉम आउटसाइड, तो हम लोग एकजुट होके ये करता है, लेकिन ये विद इन द फैमिली है, ये मामा भांजा का एक ये है एक इशू है, तो इसको हम लोग सीरियसली देख रहा है। इसलिए हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को दरख्वास्त दिया है कि इसके ऊपर में एक बिल आना है, एक लॉ आना है, क्योंकि विदाउट हैविंग एनी कॉन्क्रीट लॉ एनी बिल इसके ऊपर में बहुत सा कार्यवाही नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वी हैव सीन इन सो मेनी प्रीसीडिंग ईयर्स देर आर सो मेनी ऑफस्प्रिंग देर आर बियरिंग द सरनेम ऑफ देर ट्राइबल मदर्स एंड दे हैव उसर्प द राइट्स व्हाट आई हैव सेड अर्लियर, तो उसके ऊपर में विदाउट एनी कॉन्क्रीट लॉ ये काफ़ी मुश्किल है। तो हम लोग ने यही डिमांड रखा है, और उसका चलते हुए गवर्नमेंट ने एक जॉइंट हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, और ये जॉइंट हाई पावर कमेटी अभी चार दफ़ा हम लोग मीटिंग भेज चुका है, और उसमें भी हम लोग बार बार हम लोग हमेशा कहते आया है कि आप कम से कम प्रिलिमिनरी जो ड्राफ्ट प्रपोजल थे उसको तो आप प्रिपेयर करके हम लोग को दिखाइए, लेकिन अभी तक जो लास्ट टाइम द फोर्थ मीटिंग में एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया, जो हमारे निहारिका मैडम हैं जो IS है और मेंबर सेक्रेटरी है इसका जो जॉइंट हायर पावर कमेटी का, तो उसमें हम लोग ने देखा है कि जो ड्राफ्ट प्रपोजल उन्होंने बनाया उसमें हमारे ट्राइबल राइट्स के लिए कुछ नहीं है, रेदर इट्स एक टूटलेस वो है एक ड्राफ्ट प्रपोजल था, एंड वी हैव आउटराइटली रिजेक्टेड दैट,
एंड उसका चलते हम लोग ने दो हफ्ता का एक टाइम लिमिट टाइम फ्रेम दिया था कि कंक्रीट एक आना है, तो उसको लेकर ये लास्ट 29 सितंबर को मीटिंग फिक्स किया था, बट एट द लास्ट 11th अवर विदाउट असाइनिंग एनी कंक्रीट रीजन दे हैव कैंसल्ड इट, एंड अगेन दे नोटिफाइड ऑन 1st October द मीटिंग विल बी हेल्ड, बट अगेन विदाउट असाइनिंग एनी कंक्रीट रीजन दे हैव अगेन कैंसल्ड इट, और अभी उन्होंने बोल रहे हैं 8 अक्टूबर को मीटिंग रखा। सर, आपके हिसाब से क्या लगता है, ये जो आप लोग हाई पावर कमेटी मीटिंग भी बैठा दो बार, तो आपका हिसाब से क्या लगता है इतना टाइम क्यों लग रहा है आप? ना, इसलिए तो हम लोग को आज सड़क पे उतरना पड़ा, बिकॉज हम लोग को देख रहे हैं ये जो है एक इनसिंसियर एटीट्यूड है, द केयरलेस एटीट्यूड है, एंड दे आर नॉट सीरियस टू ब्रिंग आउट द ड्राफ्ट प्रपोजल, तो इसलिए आज हम लोगों को ये एक हम लोग का ये कहेगा कि हम लोग बिकॉज देर इज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, बिकॉज वेन प्रे एंड पिटिशन जब आप करते करते अगर आपका जो गुहार है, आपका जो प्रे है, आपका पिटिशन को अगर इस प्रकार से नकारता रहेगा तो हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है, तो वी हैव एज एन फर्स्ट फेस बिकॉज दिस इज पीसफुल एक प्रोटेस्ट रैली था स्टेट कैपिटल राजधानी में, और सारा जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारा जो फेडरेटिंग यूनिट है, जो DSUs है, वो अपने आप में सिट इन प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ये फर्स्ट फेस है कि गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि आप ये जो सेंसिटिव इशू में आप और ज़्यादा दिली दिलाई नहीं कर सकता है, यू हैव टू वॉक द टॉक। आप हमेशा बोलता है, आप हमेशा स्टेटमेंट देता है कि इंडिजिनियस को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अभी समय आ गया है एंड आप शुन टॉलोरेट फ्रॉम दिस पॉइंट। पहला पॉइंट है जो जबरदस्ती उसको झूठ मार के ST दिलाता है, जो अरुणाचली से होके भी अरुणाचल का रास्ता को बर्बाद करने के लिए झूठ मार के किसी और को आउटसाइड को ST दिलाते हैं, उसको एक्शन लेने के लिए कानून बनना चाहिए। सेकंड जो है, ST जो ले चुका है उसको जो अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसको वेरीफाई करने का, उसको कैंसिल करना चाहिए। और ताज जो है, जो ST देने के लिए फॉर्मेलिटी बनाना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग से ST देने वाला फार्मूला को जो है और थोड़ा बदलना चाहिए ये पॉलिसी में एडप्ट। और फोर्थ पॉइंट जो है, जो एडप्शन है, क्योंकि वी आर द कॉस्टलेस सोसाइटी ना, हम लोग जो पैटर्नल से चलता है, और हम लोग कोई हिंदू में नहीं है, हम लोग कोई मुस्लिम में नहीं है, और हम लोग ट्राइबल स्टेट है, हम लोग एडप्शन का कोई ऐसे पॉलिसी नहीं है, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, और अरुणाचल में एडप्शन को भी एलो नहीं करता है। और ST बाय बर्थ जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि ST जो है पिताजी का ब्लड से ही जाना पड़ेगा, ST जो एडप्शन वाला भी नहीं दे सकते, इसलिए एडप्शन प्रति को भी लॉ बनाना चाहिए। हाँ, उसको बच्चा हिसाब से कोई अगर प्यार करता है तो आप उसको फैसिलिटी दो आप, लेकिन उसको जाति नहीं बना सकता है, ST नहीं दिला सकता है। ये हम लोग का चार पॉइंट है, और बाकी वो लोग क्या इश्यू लोग है हिसाब से क्या हिसाब से बाद में हम लोग को बताएगा, देखा जाएगा 8 तारीख मीटिंग में। हाँ, मुझे रिसेंटली कमिश्नर से एक ये आया था, नोटिफिकेशन आया था, मैंने उसको सर्कुलर नहीं किया है, इसमें दो पॉइंट का क्लियर कट किया कि चर्चा करेगा, लेकिन वहाँ में जो है जो झूठ मार के ST देता है, एग्जांपल मान लो जो है CO जो ST देता है वो जनता है, लेकिन झूठ मार के वो ST दे देता है, और या किसी का नॉन अरुणाचली को फादर बन के झूठ मार के ST दिलाता है उसके लिए, और एडप्शन का वह ये नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया, और परमानेंट प्रॉपर्टी का मेंशन नहीं किया गया, ये दो को भी मेंशन कर दिया तब हम लोग मानेगा। देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग बैठ रहे हैं, तो हम लोग कोई कम्युनिस्ट कंट्री में नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी का जो प्रचार करना चाहिए हम लोगों ने आज शुरुआत किया है, और नेक्स्ट में हम लोग रिफरेंडम रैली करेगा ना, हम लोग हड़ताल में जाएगा, वो आप सभी जो कि डिसाइड करेगा, ये समय का बात है।